राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन किया। अनिल देशमुख पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई ये दबाव तंत्र के चलते ही की जा रही है। देशमुख द्वारा ईडी को सहयोग करने के बावजूद देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं उनके परिजनों से बार बार पूछताछ कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस बेबुनियाद कार्रवाई के चलते राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। शुक्रवार को काटोल और नरखेड में विविध 18 स्थानों पर एक साथ रास्ता रोको आंदोलन कर कार्रवाई का विरोध किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि एक और परमवीर सिंह आयोग के समक्ष कहते हैं कि उनके पास पत्र के अलावा कोई सबूत नहीं है और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में ईडी द्वारा बताया जाता है कि अनिल देशमुख ये संदिग्ध है, इसलिए उनकी जांच और पूछताछ करनी चाहिए। कोर्ट ने दिए आदेश के बाद अनिल देशमुख ईडी के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होते हैं। आधी रात को उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। शिकायतकर्ता परमवीर सिंह की अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं करना इस बात की संकेत देती है कि केंद्र की भाजपा सरकार ये परमवीर सिंह की आड़ में देशमुख परिवार के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। इसके विरोध में काटोल विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 18 स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया और विधानसभा क्षेत्र के नागरिक भी देशमुख की गिरफ्तारी का विरोध किया गया।